हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरी चैनल होम एंड मजमूर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग गैजेट्स, कुछ प्लेटर्स, बहुत ही अमेजिंग किचन वाली चीजें जो मुझे बहुत पसंद आई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है ये मल्टीपर्पज बास्केट। काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्टर्डी है और मुझे ये बहुत पसंद आई। तो वन बाय वन दिखाते हुए देखिए। पहला शेप, आप इसे स्टोरेज के लिए, स्टेशनरी रखने के लिए, आप जिस तरीके का स्टोरेज इसमें करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। साइज भी अच्छा है, आप चाहें तो इसे डस्टबिन की तरह भी अपने स्टडी टेबल के वर्क स्टेशन के पास यूज कर सकते हैं। इसे इस तरह से आप दबाकर ऐसा भी शेप दे सकते हैं और इसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं चीज़ें, या फिर आप इसे एज डेकोरेटिव आइटम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी शेप को आप एज डेकोरेटिव आइटम यूज़ करें, आपको जिस शेप को एज डेकोरेटिव आइटम यूज़ करना है आप कर सकते हैं। फर्दर फिर इसे आप ऐसे प्रेस करके एक बास्केट का शेप दे सकते हैं, यानी एक अलग तरह की बास्केट, और आप इसमें आलू, प्याज, टमाटर जो आप स्टोर करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्टर्डी है और बहुत आसानी से इसके जॉइंट्स अपने आप ऐसे यूँ हिलते नहीं रहते। अगर आप इसे यूँ प्रेस करेंगे तो ये जो गर्म बर्तन रखने होते हैं ना, उसका स्टैंड भी बन जाता है। और क्योंकि इसका डायमीटर भी काफ़ी बड़ा है तो आप इस पर बड़ा बर्तन भी रख सकते हैं। अब इसी शेप के बाद अगर आप इसे उल्टा पीछे की तरफ घुमाएंगे और थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे तो ये एक और तरह की बास्केट हो गई। आप इसमें जो चाहे रख सकते हैं। मैं आपको प्याज रखकर दिखा रही हूँ। प्याज है, काफ़ी हैवी है, पर फिर भी ये काफ़ी अच्छे से शेप रिटेन कर रहा है, उठाने के बाद भी अच्छे से होल्ड कर रहा है। इसे और इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो एक और बास्केट बन जाएगी, अलग टाइप की। अब फ्रेम में टमाटर आ गया, प्याज आ गया, तो इन दोनों का दोस्त और मेरा फेवरेट आलू कैसे पीछे रहे, तो इस टोकरी की डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आलू दिखा रही हूँ आपको। मीशो इंडिया का नंबर वन रीसेलर ऐप है। यहाँ पर आप रीसेल कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर बेच सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से खरीद भी सकते हैं। मीशो पर अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब इस बास्केट के बाद है ये बहुत अमेजिंग इको फ्रेंडली स्टील के स्ट्रॉज। ये जो स्ट्रॉज हैं आप अभी समर्स में ड्रिंक पीने के लिए, मिल्क शेक पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस सेट में दो स्ट्रेट स्ट्रॉज हैं और दो थोड़ी सी कर्व्ड हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इनके साथ एक क्लीनिंग ब्रश भी दिया गया है। बहुत फ्लेक्सिबल ये ब्रश है। और एक चीज़ जो इन स्ट्रॉज के एंड्स हैं वो अच्छे से कर्व्ड है और काफ़ी अच्छे से स्मूथ किए गए हैं, तो बिल्कुल भी आपको चुभेंगे नहीं। ये देखिए, क्लीनिंग ब्रश दोनों एंड से काफ़ी आसानी से अंदर जा रहा है, तो बस आप पानी ले ले, लिक्विड सोप ले ले और हर बार यूज़ के बाद आप बहुत आसानी से इन स्ट्रॉस को क्लीन कर सकते हैं। प्लास्टिक नहीं, स्टील है, तो एनी टाइम बेस्ट है ना, मज़ेदार। तो चलिए मैं आपको इसे ड्रिंक में डालकर दिखाती हूँ। ये मेरा हमेशा का फेवरेट रेड वाला ड्रिंक, जो आपने मेरे कैंडल लाइट डिनर के वीडियो में भी देखा था। मुझे तो ये स्ट्रॉज बहुत पसंद आए। अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम बहुत ही कॉमन है, जो कि है कोस्टर्स, पर मुझे ये पसंद आए क्योंकि ये ब्लैक कलर के मेटल स्टैंड में वुडन कोस्टर्स हैं। काफ़ी रस्टिक है, काफ़ी सिंपल है, बट मुझे बहुत पसंद आए। तो कोस्टर्स का यूज़ किया जाता है गर्म ग्लास, या फिर ज़रूरी नहीं है गर्म, बट कोई भी ग्लास या कप अगर टेबल पर रखना होता है तो उसके नीचे जो भी है वो ख़राब ना हो, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ये मिल्क फ्रॉथर। तो ये मिल्क फ्रॉथर है, ये हैंड विस्क नहीं है, ये हैंड ब्लेंडर नहीं है, ये काफ़ी अलग चीज़ है। कॉफ़ी बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, फोमी कॉफ़ी बनाने के लिए। तो इस फ्रॉथी मिल्क से आप लाटे आर्ट भी बना सकते हैं। तो मैं एकदम सिंपल बेसिक कॉफ़ी बनाकर दिखा रही हूँ, तो अच्छे से फ्रॉथी मिल्क बना लें। ये देखिए कितना झाग चढ़ गया है इसमें, कितना अच्छा लग रहा है ये। ये कॉफ़ी का डिकॉक्शन है, तो बेसिकली मैंने गर्म पानी में कॉफ़ी मिक्स की, मेरे पास इंस्टेंट वाली ही है, वही मैंने मिक्स की है। आप चाहें तो शुगर डाल सकते हैं कॉफ़ी में। ये देखिए कितनी अच्छी फ्रॉथी कॉफ़ी बनी है, कितनी बढ़िया लग रही है। और अगर आप लाटे आर्ट करेंगे इसके ऊपर तो वो और भी सुंदर लगेगी। नेक्स्ट है ये अमेजिंग सा प्लेटर, जो मुझे बहुत पसंद आया, जो कि प्रेस यानी आयन की शेप का है, लेकिन ये बिल्कुल भी कुकिंग के लिए नहीं है, ये केवल सर्विंग के लिए है। मीडियम वेट है इसका, बहुत हैवी नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल प्रेस नहीं है।
और ये देखिए साथ में इसके चार स्क्यूअर्स हैं। मुझे इस तरह के फैंसी प्लेटर्स या इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है। केवल कलेक्ट करना ही नहीं, ओकेजनली ही सही इन्हें यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। ये मैंने बनाया है थोड़ा सा पनीर टिक्का, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसमें सर्व करके। तो आप भी कभी अपने घर में एज अ चेंज ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ये फनल। तो फनल हर घर में होता ही है, कभी बॉटल में ऑयल भरने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, सूखी चीज़ों के लिए, गीली चीज़ों के लिए। लेकिन ये वाला है सिलिकॉन का और ये ऐसे रिट्रैक्ट होता है। ये देखिए बेस्ट चीज़ इसके बारे में यही है कि काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि जो फनल्स होते हैं ये ठीक से कहीं पर रखे नहीं जाते हैं, बेमतलब की ये जगह अगल बगल में ऑक्यूपाई करते हैं। ये मुझे बड़ा पसंद आया। तो लिक्विड चीज़ों के लिए तो ये काम करता ही है, बट मैं आपको साथ ही में दिखा रही हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ है, चावल भर रहे हैं आप किसी, इसमें कोई मसाला भर रहे हैं या फिर ज़ीरा टाइप की कोई चीज़, तब भी ये बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से काम करता है और यूज़ के बाद ये ऐसे कोलैप्स भी हो जाता है, बट स्टर्डी है, शेप होल्ड करता है। नेक्स्ट है ये जार्स। ये जार्स का सेट नहीं है, पर ये तीन काफ़ी सिमिलर है, तो मैंने तीनों लिए हैं। मतलब आप इन्हें पर पीस के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है इन तीनों का ही सेट लेना हो। तो ये देखिए सबसे पहला जो आपको दिखा रही हूँ ये सिलिकॉन का ब्रश है। इसमें आप इसमें ऑयल रख सकते हैं, कोई भी ऑयल, बटर या जो आपको इसे अप्लाई करना है ब्रश से। तो मेन लिड है, उसके ऊपर छोटा सा लिड है। ये चम्मच वाला है, नमक, चीनी, चाय पत्ती जो आप चाहें इसमें रख सकते हैं। तो मेन वाला लिड खोल के आप चीज़ें भर सकते हैं और ये ऊपर वाले छोटे वाले लिड से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये तीसरा वाला जो है ये हनी वाला है, हनी पोर करने के लिए यूज़ होता है। तो जो सिलिकॉन का ब्रश है, जो नॉर्मल चम्मच है, वो तो आप जानते ही होंगे, तो सोचा मैं एक जो डेमो देना है ये इस वाले का दूँ। इससे क्या होता है ना कि जो हनी है एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं गिरता, एकदम पतली धार रहती है। आप पैनकेक के ऊपर ड्रिजल कीजिए, आप जिस पे परोसना चाहें आप इससे आप हनी को ड्रॉप कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है और साथ ही में जितना चाहिए उतना ही आता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मीशो पर कुछ ढूंढने या सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स में डाले कोड, आप डायरेक्टली कैटेगरी में जाकर भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। आप जिस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और उसकी साइज सिलेक्ट करें, फिर ऐड टू कार्ट करें। आप चाहें तो इस जगह पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर ऑर्डर करना हो, फिर मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करें। इस स्टेज पर आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को कार्ट से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिन। अगर आप रीसेलर हैं तो आप अपना यहाँ पर प्रॉफिट ऐड करें, या फिर आप डायरेक्टली ऑर्डर कर रहे हैं तो एग्जैक्ट वही अमाउंट डालें जो कि प्रोडक्ट की है। इस स्टेप के बाद आप अपना एड्रेस डालें और ऑर्डर कंप्लीट करें।